नमस्कार, आइए आपको मध्य प्रदेश के रीवा की ओर ले चलते हैं, जहां प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के समर्थन मूल्य पर अनाज की उपज की खरीदी यथा स्थान पर खरीदी केंद्र बनाकर की गई। वहीं इन केंद्रों को खुले में बनाए जाने एवं अनाज का उठाव न होने के चलते अनाज खुले में पड़ा हुआ है। मानसून भी सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण हजारों मैट्रिक टन अनाज खराब होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बताते चले, अनाज का भंडारण खुले आम में रखा गया है, जिसको सुरक्षित रखने किसी भी प्रकार का पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया, जबकि प्रशासन द्वारा इसे नकारा जा रहा है। वहीं इस दौरान हुई हल्की बारिश से प्रशासन की सारी पोल खोल दी है। इस दौरान प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अपने पेज के जरिए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस बार पंजाब को पीछे छोड़ते हुए 1,25,60,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदने की जानकारी दी है। शायद यही वजह है कि बंपर खरीदी के कारण शासन के पास अनाज भंडारण की समस्या मुंह उठा रही है। पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। वो अभी धान उठ रही थी, धान उठने के बाद रुक गई, अब जो पाला है वो पड़ा है, उसको भराई चालू है। ढका नहीं गया था क्या? ढका था, पन्नी उड़ गई है, बाकी नहीं उड़ी। हवा चलने से पन्नी उड़ गई। फिर क्यों नहीं ढका गया उसको? बाद में क्यों नहीं ढका गया? ढकेगा अब थोड़ा हवा लग जाए, वो भीगा तो है ही है, अगर अभी मुंद देंगे तो वो जाम आएगी, कुछ हवा लग जाए सूख जाए उसके बाद मुंद देंगे। कितना भीग गया होगा? ज़्यादा थोड़ी भीगा है, 10-20 बोरी भीगा है, देख लीजिए नाली में। कोई आया था देखने अधिकारी यहाँ? हाँ, अधिकारी आके चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल किशोर कोरी है। क्या है आप यहाँ? यहाँ चौकीदारी करता हूँ। शहर में जो भी गेहूं के खरीदी केंद्र बने हैं, आप देख रहे हैं, ये बात पूरे मध्य प्रदेश में है। कई बार मांग की गई है कि खुले आसमान के नीचे खरीदी केंद्र न बनाए जाएं, लेकिन शासन खरीदी केंद्र हमेशा खुले आसमान के अंदर नीचे बनाता है, चाहे वो धान की हो चाहे गेहूं की हो। आप देख रहे हैं एक-एक तूफानी बारिश के कारण सब जगह है, जहां भी ग्रामीण अंचलों में खरीदी केंद्र आसमान के नीचे वहां भीगा है। आप देखें मंडी प्रांगण में जो खैरा और बहुरी बांध का खरीदी केंद्र गेहूं का था, गेहूं के उठाव न होने के कारण यहाँ भी गेहूं भीगा है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि भविष्य में अगर धान की जब खरीदी होगी तो खरीदी केंद्र आसमान के नीचे न बनाइए, युद्ध स्तर पर गोदाम बनाए जाएं, हर खरीदी केंद्रों में गोदाम हो, गोदामों में खरीदी की जाए। आपने जैसे देखा अभी मंडी में पिछले साल की भी धान पड़ी हुई है, सड़ रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय रीवा कलेक्टर जी से कि धान का उत्पादन किसान इस बार करें कि न करें, आप बतला दीजिए। अब मानसून आने वाला है, अगर इतने धान का बम्फर स्टॉक है तो धान की उत्पादन किसान न करें, धान न लगाएं। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी से मांग करते हैं कि जहां भी खरीदी केंद्र आसमान के नीचे रहे हैं, गेहूं भीग रहा है, देखिए वो क्षति। अब ठीक है कि किसानों से सरकार ने खरीदी कर लिया है, लेकिन क्षति तो हो ही रही है ना, अपने देश की क्षति हो रही है, तो क्षति से बचाइए। जहां भी खरीदी केंद्र आसमान के नीचे हैं, उन गेहूं का तत्काल उठाव करवाइए और आने वाले धान के सीजन के लिए आप दिशा निर्देश जारी करिए कितने एरिया में किसान धान बोएं, क्योंकि बम्फर उत्पादन हो जाता तो फिर धान की फसल भी सड़ती है। अब गेहूं को न सड़ाएं, आपसे यही विनती है, जहां जहां भी खरीदी केंद्रों में गेहूं पड़ा हुआ उसे तत्काल उठाव करवाएं।